अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़नामचा में मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अब्बासी। इलेक्शन से कबल अवामी नुमाइंदे जब अपने हलकों में जाते हैं तो अवाम से बुलंदोबांग दावे ज़रूर करते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की यूनियन कौंसिल 21 राजा इकबाल टाउन में, और यहाँ के अवाम से हम पूछेंगे कि उनको किस तरह के मसाइल का सामना है, और यहाँ से मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदे हैं वो क्या उनकी तवक्कात पर पूरा उतरे। नाज़रीन, मौजूद है हम न्यू इकबाल टाउन इस्लामाबाद में, और इस वक्त ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेजिडेंशियल रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है, और यहाँ पे ये लोग किस कर्ब में मुब्तला हैं। जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो इसी किस्म की सूरत हाल का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं कि मेरे सामने ये घर है, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो फिर ये पानी सीधा इस घर के अंदर जा रहा है। इस तरह मुतअद्दिद दूसरे घर भी हैं जहाँ पर यह पानी घरों के अंदर चला जाता है, और बिल्कुल मेरे सामने अगर देख सकें तो वहाँ भी पानी, अब चूँकि पानी थोड़ा कम हो गया है, जब शदीद बारिश होती है तो यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे रिहायशी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आप मेरे करीब आइएगा, आप ये बताएं कि जब भी बारिश होती है तो इसी किस्म का यहाँ पे सूरत हाल का सामना करना पड़ता है? इससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा होता है, ये तीन तीन चार चार फुट पानी अंदर चला जाता है। आपके घर में पानी कभी गया? जी, दो तीन दफ़ा गया, जब तक मैं इधर आया हूँ ना। अभी आज गया है? अभी भी गया है। अच्छा, अभी क्या, अभी मैं निकाल के बाहर निकला हूँ, आपको देखा। जी जी, क्यों कितने अरसे से आप इस चीज़ का, कभी आपने जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये एरिया ही छोड़ दिया जाए, किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए? एरिया छोड़ेंगे तो ये पूरे एरिया का यही हाल है, पानी। अच्छा। ये है कि यहाँ ज़्यादा पानी आता है, दूसरी तरफ कम आता है, पानी तो पूरे एरिया में आता है, तो पानी आता है, यही सूरत हाल पूरे एरिया, ये सारा पिंडी से पानी जो उन्होंने इधर किया हो ना ट्रांसफ़र, वो आता है। अच्छा। ये शक्रियाल ढोक कालाखां का टोटल पानी। यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं उनके पास कभी आप गए? उनको लेके आए हैं, वो आते हैं, आके देख के चले जाते हैं, बाद में कोई इस्लाह अमल ही नहीं करते इसके ऊपर। अच्छा, ये बरसात में तो अक्सर आपको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना? डेफिनेटली होता है। अच्छा, नाज़रीन जैसा कि ये यहाँ के मकीन हैं, इनका ये कहना है कि हर साल इन्हें इसी तरह की सूरत हाल का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर मानसून की बारिशों के दौरान तो इनके घरों में अक्सर जब भी बारिश होती है इनके घरों में पानी चला जाता है, उनका कीमती सामान ना सिर्फ ज़ाया होता है बल्कि उन्हें शदीद कर ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ता है। ये सूरत हाल न्यू इकबाल टाउन इस्लामाबाद की है। यहाँ से इलेक्ट होने वाले जो MNA थे, इस वक्त वज़ीर ममलकत ब्राई कैड हैं तारक फजल चौधरी साहब, CDA उनका मातहत अदारा है, और यहाँ पे इस्लामाबाद के जो इंतज़ामी उमूर हैं इससे कबल CDA चलाता रहा। अब चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का वजूद अमल में आ चुका है, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी हो चुका है, इख्तियारात की मुंतकली भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के मसाइल जूँ के तू उसी तरह हैं। आप यहाँ के मुकामी हैं? जी, यहाँ के मुकामी हैं, हम यहाँ के रहशी हैं, और सब प्रॉब्लम है, यहाँ ना गैस है ना पानी है ना पानी ये है। ये पानी जो है ये बारिशी पानी आता है, और ढोकल खान और शमसाबाद का सारा एरिया जो जितना है वो इधर कर दिया है, और सब प्रॉब्लम जो है पीछे वाले पानी से आ रही है, हमें इधर का पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, बारिश होती है पानी ख़त्म हो जाता है, ये पानी जो है ना पिंडी का आता है, सारा सीवरेज का पानी है, गंदे नालों का पानी है, और हमें ये अच्छा, जब बारिश होती है तो अमूमन ये पानी आपके घरों में चला जाता है, उसके बाद आपके बच्चे यकीनन बीमार होते होंगे? अच्छा, बिल्कुल, वो तो पहले भी हमने कई बार आप लोग आए हैं तो हमने बताया और आप चले गए, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये अपना नून लीग के लिए मैंने दो दफ़ा जोर लगाया और नून लीग जीत गई, और फिर दोबारा मुबारक काम यहाँ कोई नहीं किया है, नून लीग को आपने जिताया है यहाँ से? हाँ, यहाँ से जिताया है दो दफा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये चौधरी को दो दफ़ा जिताया यहाँ से, आइंदा भी जिताएंगे।
आइंदा भी जिताएंगे और हमारा काम नहीं होता है फिर जिताएंगे जिताएंगे। नाजरीन देखिए बड़ी खूबसूरत बात की इन बुजुर्गों ने, इनका ये कहना है कि दो दफ़ा मैं यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जिता चुका हूँ, उसके बावजूद ये मसाइल जूँ के तू हैं। अब इनका कहना है कि मजीद फिर उन्हीं मुस्लिम लीग नून को वोट देकर जिताएंगे। अब खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद एहसास अपनी हालत बदलने का। तो मोहतरम से मैं क्या कह सकता हूँ, अगर किसी को अपनी हालत सुधारने का खुद एहसास नहीं है, जो लोग मुसलसल इन्हें नज़रअंदाज करते हैं, बार बार उन्हीं लोगों को वोट देकर फिर इलेक्ट करवाते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि मुस्लिम लीग नून के आपने उम्मीदवारों को वोट देकर जिताया और आज ये सूरत हाल है, ना सिर्फ आप बल्कि पूरा मोहल्ला इस कर्ब में मुबतला है। आप लोगों को कभी 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 मेरी बात सुने, कभी आपको ये एहसास हुआ कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपके कुछ बुनियादी हकूक हैं, क्या वो हकूक आपकी मौजूदा हुकूमत पूरे कर रही है? वो तो है, यहाँ का इधर का कोई है ही नहीं है ना, साईं कसम ही यहाँ का कहना है। तो आप जैसे हैं ना, आप जैसे लोग हैं ना, इन लोगों को बरगलाने में, इन लोगों को खराब करने में आप जैसे लोग मुलव्वस होते हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं इनके, इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, इनसे वोट दिलवाते हैं और फिर जब मसाइल होते हैं आप भी वोटें मांग के वो मैंने किया, उनको जो दो दफ़ा जिताया है। बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने कि ये दो दफ़ा यहाँ से अपने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को यहाँ पे जिता चुके हैं, अब फिर भी उन्हीं को वोट देंगे। इनका ये भी कहना है कि इन लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वोट दें, आपके मुजरम ये हैं या तारक फजल चौधरी हैं, आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, कौन मुजरम है आपका? आपके मुजरम तो ये हुए ना, ये लोग ही हैं ना। हाँ, हम इनको आप भेजें ना तारक फजल चौधरी के पास भेजें, हमें जिधर भेजेंगे हम तो उधर ही जाएंगे वोट डालने। आपको जहाँ भी आप जाते हैं तो हमारा काम तो होता नहीं है, इतना पानी पानी गलियों में होता है, क्या फायदा वोट लोगों के कहने पे आप वोट दे देंगे? वोट देने का क्या, आप वोट जिसको भी दें, चाहे मुस्लिम लीग नून को दें, पीपल्स पार्टी को दें, तहरीक इंसाफ को दें, जमात इस्लामी को दें या किसी और सियासी जमात को दें, लेकिन कम से कम आप लोगों को इतना तो एहसास जरूर होना चाहिए कि जिन लोगों को आप वोट देकर असम्बलियों में भेज रहे हैं, आपके ये जो बुनियादी मसाइल हैं उनका हक बनता है। आपको जब इलेक्शन कमेंट्स होती है तो आपसे कहा जाता है कि आपके मसाइल आपकी दहलीज पे हल होंगे, तो क्या देखते भी नहीं है? वापसी पे कभी देखते ही नहीं है कि साल बाद देख लें, छः महीने बाद देख लें, हम हो गए हैं अब अपने काम करने के लिए शुरू हो गए हैं, अब करेंगे, कोई नहीं करता ना कोई आता है। नाजरीन जिस तरह की यहाँ पे सूरत हाल है, इस वक्त जो बरसाती नाले का पानी है लोगों के घरों में जा चुका है और लोग जिस तरह जिस कर्ब में मुबतला है, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि ये बच्चे किस तरह यहाँ पे अपनी ज़ाहिर घर के सामने उन्हें गलियों से बाहर घर से भी आना पड़ता है और ये सूरत हाल आप ये देख सकते हैं कि ये खातून घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब कैसे बाहर निकलेंगी? घर में जो घर के सामने जो पानी है इसकी गहराई का अंदाज़ा भी यहाँ से गुजरते बच्चों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद शायद इन लोगों का मुस्तकबिल भी यही इसी तरह के मसाइल का सामना इन्हें करना पड़े, चूँकि इन्हें अपने बुनियादी हकूक़ का पता नहीं है, इनके बुनियादी हकूक़ क्या हैं, और जिन लोगों को ये इलेक्ट करवा के असम्बलियों में भेजते हैं उन्होंने इनके मसाइल अगर नहीं हल करवाए होते तो उसका तरीक़ेकार क्या है, कैसे उन्हें जाके मनाया जा सकता है और कैसे अपने मसाइल हल कराए जा सकते हैं। जैसा कि ये बुज़ुर्ग मेरे पास खड़े हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं इस पर तबसरा मज़ीद नहीं करूँगा, ज़ाहिर है आपने सुन चुके हैं इनकी ज़बानी जो इन्होंने अभी फरमाया कि जी हमने दो दफ़ा एक ही पार्टी के जो इलेक्टेड MNA उनको यहाँ से मैंने इस मोहल्ले के लोगों से वोट देकर दिलवाकर उन्हें जितवाया और यहाँ मैं बार बार उनके पास जाता हूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुनते। इनसे मैंने पूछा कि क्या आप अगले टेनोर में भी उसी कैंडिडेट को वोट देंगे, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा जाहिर है हमने वोट तो उसी को देने, जाहिर है उनके अलावा यहाँ पे इस मुल्क में दूसरा कोई है नहीं कि जो इन लोगों के मसाइल हल कर सके, जो ईवान इक्तदार में बैठ सके, कानून साजी की कर सके या अवामी मसाइल हल करा सके। इकबाल टाउन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसका एक हिस्सा रावलपिंडी की जानब है और दूसरा हिस्सा इस्लामाबाद की जानब। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद की हदूद में वाक़े राजा इकबाल टाउन जो एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ ही मुलक्का इलाका है, और इस वक्त जो मनाजर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि इस वक्त जब भी यहाँ बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी इन यहाँ के जो मकीन हैं उनके घरों में चला जाता है। इस वक्त भी ये मनाजर हैं, अगर देख सकें तो ये पानी यहाँ पर खड़ा है, बारिश हुई है और ये देख सकते हैं ये गंदे नाले का पानी है जो यहाँ इन गलियों में
पहुंच जाता है, उसके बाद यहाँ पर घरों में दाखिल होता है, यहाँ पे मौजूद दुकानें हैं वहाँ पे दाखिल होता है और यहाँ दुकानों में मौजूद कीमती सामान ज़ाया हो जाता है। ये सिर्फ आज नहीं हुआ, ये साला साल से हो रहा है। यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि मुतद्दद बार यहाँ से इलेक्टेड MNA जो इस वक्त वज़ीर ममलकत ब्राई कैड हैं तारक फजल चौधरी, उनके पास गए, उन्हें दरख्वास्तें भी की, एक दो मरतबा वो इसी कंडीशन में यहाँ पर आए भी है जब यहाँ पर पानी खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये पानी वो पानी है जो बरसाती नाले का है, जो डोक अला खान जो दूसरे मुलका जो इलाके हैं वहाँ से आता है और यहाँ बिल्कुल जो मेन जो इसकी लाइन थी वो टूट फूट की वजह से ये सीधा गलियों में चला जाता है और गलियों से होता है लोगों के घरों में जाता है। लोगों को किस कर्ब का सामना करना पड़ता है, मेरे साथ यहाँ पे मकामी जो यहाँ के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएँ कि आप कितना अरसा हो गया यहाँ पर रह रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल रशीद नियाज़ी है, मुझे यहाँ पर 16 साल हो गए हैं रहते हुए। अच्छा, और इसी तकलीफ में तकलीफ में तकलीफ। अच्छा, में ये जो मनाजर है इस वक्त, बल्कि कैमरामैन दिखा सके तो पानी की जो इस वक्त मकदार है यहाँ इस गली में, उससे ये जो ट्रैक्टर मेरे सामने से आ रहा है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन किस मकदार में यहाँ पे पानी मौजूद है। रशीद नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है या साला साल से ये हो रहा है? नहीं, ये हमेशा यही होता है, जब भी बारिश होती है तो ये इसकी यही रूटीन रहती है। अगले वाले एरिया में जो गाड़ियाँ या कोई रक्षा वगैरह जाते वो नहीं जा सकते, वो हमारी गली में से आते जाते हैं। ये इसी तरह ही परमानेंट रहता है पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है। आपके घरों में भी तो जाता होगा? लाजमी बात है, घर में जाते हैं, लोगों के भाई इतना नुकसान हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बिजली का ये कंस्टिट्यूंसी किसकी है, ये हल्का किसका है, कौन सा यहाँ से MNA यहाँ से मुंतखब हुआ है? ये पहले तो दोस्त जो टेनोर गुजर हैं तारिक फजल चौधरी के थे, अभी हमारे जो चेयरमैन इलेक्टेड चेयरमैन है वो आमिर मलिक साहब हैं। यहाँ से इलेक्टेड जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए उसमें आमिर साहब हुए, लेकिन यहाँ से MNA तारिक फजल चौधरी। तारिक फजल चौधरी, कभी आपने तारिक फजल चौधरी, चूँकि मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन तो बन चुकी है, उसको नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, उसका इख्तियार भी मुंतकिल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी फंड्स का मसला है। यहाँ पर जो चेयरमैन से मुख्तलिफ यूसीज के, उनका ये इल्ज़ाम है कि उन्हें अभी फंड्स नहीं मिले अपने अपने जाके यूसीज में जाके वो आवाम की खिदमत कर सकें, लेकिन जहाँ पे जब आपके इलेक्टेड MNA हैं तारिक फजल चौधरी साहब, इस वक्त वज़ीर ममलकत ब्राई कैड है यहाँ पर मौजूद है, एक बड़ी सीट है उनके पास यहाँ पर, और उसके पास उनके इख्तियार हैं CDA और दीगर जो जो इदारे हैं वो उनके मतहत इदारे हैं, तो क्या कभी यहाँ का कोई वफ बाज़ाब्ता तौर पर उनके पास गया जाके ये दरख्वास्त लेकर कि बारिश के बाद हमें किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल, एक दफ़े नहीं, कई दफ़े ये हमारे साहब खड़े हुए हैं, ये इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, खुद ज़ाती तौर पे भी गए हैं, और ये पहले तो भाई अपना पीपल पार्टी के दौर था तो ये इलेक्टेड थे तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक फजल चौधरी साहब उस वक्त कहते थे कि हमें ये फंड वो हुकूमत नहीं दे रहे, अभी दो टेनोर इनके हो जाए, अभी भाई इनके पास सब कुछ है, अभी सब कुछ इनके पास है, अभी ये क्यों नहीं करते हैं, अभी तो इनको चाहिए क्यों करते करें। ये हमारे चेयरमैन जो इलेक्टेड चेयरमैन है ये कहते कि हमें वो फंड नहीं दे रहे, वो फंड दें या ना दें, हमें तो ऐसे कोई गर्ज नहीं, हमें तो अपनी सेफ्टी चाहिए कि भाई ये पानी ना आए, हमारे घर भाई बच्चे रहें, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते हैं, अस्पताल में जाना पड़े। इस कंडीशन में आपका बच्चा घर से बाहर तो नहीं निकल सकता ना, आप देख सकते हैं कितने फीट तक यहां पे पानी, मरीज मरीज हो इसमें इधर बच्चे जो ना चार बात अपन इनको करने में मरीज जो होता है वो नहीं निकल सकते, वो तड़पता है यहाँ पे जान, जो अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई डिलीवरी का केस होता है, डिलीवरी के केस के लिए हमें इधर से हम नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, इस कर्ब में आप हैं, आप ये कह रहे हैं कि कई सालों से ऐसा हो रहा है, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब इलेक्शन कंपेन्स होती है यहाँ पे आपके जो नुमाइंदे हैं यहाँ आपके पास आते हैं, कभी आपने शर्त रखी कि हमारा ये सबसे बड़ा मसला ये है, ये हल करा दें तो तब हम आपको वोट देंगे, कभी आपने शर्त रखी? एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उनको यही कहा कि वो खुदा के वास्ते डालते हैं, कहते हैं कि हाँ जी इस दफ़ा हम कर देंगे, इस दफ़ा हम कर देंगे। अच्छा, अब आप लोगों का क्या किया जाए, बार बार आप धोखा खाते हैं, बार बार उन्हीं लोगों को आप वोट देकर दोबारा इलेक्ट करवाते हैं, इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ना मेरे पास है ना किसी और के पास है, आप लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए ना, जो लोग आपके मसाइल हल नहीं कराते तो बार बार उन्हीं को वोट क्यों देते हैं? अभी इंशाल्लाह हमारे यही प्रोग्राम के हमारे कोई हल नहीं होता तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, में वाइद हल है कि जांच करें, रोड ब्लॉक करें, जाके धरने करें। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते हैं? मैं भी 16 साल से पाकिस्तान एयरफोर्स से मेरा तल्लक था, इधर आकर हम फंस गए हैं। मैं खुद बजाते खुद कामरान लाशारी साहब जो थे उनके दौर से, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, हमने इतने धक्के खाए इस काम के लिए, मेरे पास पूरे डायरी नंबर सब कुछ लिखे हुए हैं, नक्शे बना के दिए हैं कि ये नाला इधर से इधर शिफ्ट कर लें, उधर चूंकि आगे जनरल साहब हैं वो इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ये नाला उधर जाकर लेकर जा नहीं सकते। सबसे बड़ा जो कसूर है वो तारिक फजल चौधरी साहब का है, ये हल्का 49 है और हल्का 49 में उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उनको इधर लेकर आए थे,
उनको पूरा ब्रीफ मैंने खुद किया था, लेकिन वो दिन और ये दिन अच्छा मुझे ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बन चुकी है, यहाँ पे आपके बलदियाती नुमाइंदे भी यहाँ से इलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ से पीटीआई के चेयरमैन मलिक आमिर यहाँ से इलेक्ट हुए, क्या कभी आपने मलिक आमिर से इस बात का शिकवा किया कि कम से कम चलक तरफ से चौधरी मेरा हमारे यहाँ के मसाइल हल नहीं करा सका, तो कम से कम आप थोड़ा सा हमारे लिए कुछ कोऑपरेट करें, ये जो मसला सबसे बड़ा गंभीर मसला है इसे हल करवाएं। जो मलिक आमिर साहब हैं वो चेयरमैन हैं, मौजूदा हैं, उनके पास जाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम जाते हैं, लेकिन एक बात भी सुनते हैं, बात सुनते हैं, एक ही जवाब है उनका कि हमारे पास ना इख्तियारात हैं ना हमारे पास फंड है, आप हमें बताएं कि अपनी जेब से हम कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये हुकूमत जो है ये इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है, अच्छा, किसी को फंड ना नहीं, सिर्फ आपके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी खड़ा है, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ भी तो फैलती हैं। आजकल आपको पता है कि डेंगू के लिए कितने यहाँ पे स्प्रेज किए जाते हैं, इकदाम किए जाते हैं, करोड़ों रुपये का तशहरी बजट रखा जाता है, जाके अखबार में मीडिया पर इश्तरात दिए जाते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कई की फीट यहाँ पर पानी खड़ा है, इसके बावजूद कभी आपने महकमा सेहत से या किसी और मुतलका अदारे से जाकर शिकायत की कि देखें जी भाई आप मीडिया की तहशीर पे आप इतने करोड़ों रुपए का बजट लगा देते हैं, कम से कम कुछ बजट हमें यहाँ पे ये दे दिया जाए ताकि इस पानी से तुम्हारी जान छूटे। इधर मीडिया वाले भी आते हैं, रोई टीवी वाले आते हैं, जियो वाले भी एक दो दफ़ा आए हैं, ये दुनिया टीवी वाले भी आए हैं, ये सारे के सारे आते हैं, सबके साथ सबके सामने हम यही रोना रोते हैं, हमारा सिर्फ सबसे बड़ा। नाज़रीन कुछ मनाजर आपको दिखाना चाह रहे हैं, कैमरा में दिखा सके, ये खवातीन भी आ रही हैं, एक शख्स आ रहा है, आप बच्चे को उठाए, खातून भी मौजूद है, कैमरा में दिखा सके किस तरह यहाँ से गुजर रही हैं, ये यहाँ को यहाँ इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ये बायस शर्म है इलेक्टेड मेम्बरान असम्बली के लिए भी और दीगर जो यहाँ के मुतलका इदारे हैं उनके सरबरान के लिए भी कि ये लोग किस कर्ब में यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है। अब डेफिनेटली ये खातून घर से निकली हैं अपनी बच्ची को उठा के ज़ाहिर है हॉस्पिटल लेके जा रही हैं या कहीं भी जा रही हैं, क्या इस कंडीशन में हॉस्पिटल या किसी के घर जा सकती हैं, जबकि ये पानी जितना भी यहाँ खड़ा नज़र आ रहा है ये गंदा पानी है और यहाँ से गुजर कर ये किसी के घर जाने के क्या लायक रही है? अब ये पानी से बाहर निकलेंगी तो उसकी कंडीशन देखिएगा, इनकी सूरत हाल देखिएगा कि क्या किसी के घर जाने के या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सफर करने के लायक रहेंगी। पहली बात तो ये है कि कोई गाड़ी वाला इन्हें बिठाएगा ही नहीं, अगर बिठाएगा भी तो देखिए इनकी ये कंडीशन है। अब ये सूरत हाल अब बात सुने मेरी, आप आइएगा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। इस्लामाबाद जा रही हैं, आपका घर यहाँ पे है, आप बच्ची को उठा के इस गंदे पानी से गुजरी हैं, तो क्या किसी के घर जा रही हैं या कहीं? नहीं, किसी के घर जा रही। किसी के घर जा रही है, इस कंडीशन में आप जाएंगी? नहीं, अब इस तरह तो कोई नहीं बिठाएगा। हाँ हाँ, नाज़रीन देखा कि ये खातून किसी के घर जा रही हैं, लेकिन इनकी जो हालत है या इनके साथ यहाँ पे मौजूद है इनके हस्बैंड भी, आप मुझे मेरी बात सुनेंगे एक मिनट, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये हालत जो है आप लोगों की, क्या इस मोहल्ले में रहने के लायक है ये सूरत हाल? यहाँ पे आपके लोग आते हैं, आपसे वोट लेकर चले जाते हैं, आप उन्हें यहाँ से डब्बे भर कर वोट देते हैं, कभी उनके पास भी आप गए कि जाकर उन्हें कहें कि हमारा ये मसला कम से कम हल करा दें? ये हाल नहीं कर दे। नहीं करेंगे? नहीं। तो आप वोट उन्हें देते रहेंगे? हाँ, वोट दे दें तो उसी तरह पड़े रहेंगे? हाँ जी। क्यों ऐसा है, आप लोग अवेयर कब होंगे, आपको अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो बुनियादी हकूक हैं उसका कब पता चलेगा कि आपके हकूक क्या हैं? ये अच्छा नहीं ना कर दे, बोल लिया कि घर से बैठ जाते हैं तो बस काम करा लेंगे ने तो फिर लारा ला छड़ देने करांगे करांगे पर नहीं कर दे। नाज़रीन ये भी यहाँ के मकामी शख्स थे जिन्होंने यहाँ ये बताया कि यहाँ पर हर साल इनसे वोट तो ले हर जो टेनोर होता है इनसे वोट तो ले लिए जाते हैं लेकिन इनके मसाइल हल नहीं किए जाते, यहाँ अरसा दराज से इस तरह के मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है। कुछ ख्वातीन भी मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करूँगा, आप इस तरफ आ जाइएगा, मेरी तरफ यहाँ पर आ जाइएगा। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप कितने अरसे से यहाँ इस मोहल्ले में रह रही हैं? सर, मैं इस मोहल्ले से या ये जगह आबाद हुई को कोई 40 साल तो हो गए होंगे। मुझे मेन मकसद एक ही बता दें कि जहाँ से कोई जनाजा लेके अभी जा सकता है? नहीं, डेफिनेटली नहीं, यहाँ से गुजरी। यहाँ किसी की बेटी की बारात आई है, क्या वो बारात वाले यहाँ से डोली लेके जा सकते हैं? अच्छा, आप मुझे मेरा भी एक सवाल का जवाब दे दें, ठीक है? क्या आप लोगों को अपने बुनियादी हकूक का पता है? आप बार बार उन्हीं लोगों को दोबारा वोट देकर इलेक्ट करते हैं जो आपके मसाइल से हर दफ़ा चश्मपोशी करते हैं, क्या आपको इतना नहीं मालूम कि आपके बुनियादी हकूक क्या हैं, किस कंडीशन में इस वक्त आप किस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों का, लेकिन इसके बावजूद आप नेक्स्ट नोर आएगा फिर उन्हीं लोगों को इलेक्ट कर देंगे? सर, ये तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ इसका अब एक ही इलाज है, ना तो किसी मीडिया को खुद बुलाना पड़ेगा, सिर्फ ये बार जी टी रोड बंद होगा ना जब ये आवाम बाहर बैठेंगे ना
कादरी साहब धरना दे सकते हैं पार्लियामेंट हाउस में, इमरान खान दे सकते हैं, हुक्मरान जाग जाते हैं, जब ये गरीब आवाम इनका जनाजा निकल के यहाँ बाहर जाएगा। गरीब आवाम को अपने हकूक का ही नहीं पता ना, आप लोग जुल्म तो सहते हैं लेकिन फरियाद कभी नहीं करते। गरीब आवाम तो इस पानी में डूबी हुई है, हमारे हुक्मरान ही खुदा का खौफ कर ले, करप्शन का मखा है, खौफ है ही नहीं, खुदा का खौफ है। जो आता नीचे से वो पक्की वास होता है वो राजे बन के बैठ जाते हैं, वो मलक बन के बैठ जाते हैं, वो महलों के शहजादे बन के, उनके पीसीओ शादी हाल हर चीज होती है। इस गरीब की जब हाल लगती है ना तो क्या कुर्सी पे इनको बिठाते हैं, ये गरीब आवाम है ना, तो फिर जिनकी हाँ पड़ेगी तो सीधे आसमान पे जाएंगे। वो तो बाद की बात है ना, इनको इस वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने क्या किया है दुनिया में, मेरे अमाल क्या थे उस चीज का। लेकिन जो का कोई फायदा नहीं, खादिम आला से रिक्वेस्ट है हमारी कि अपने वो जो खादिम आला तो कुछ नहीं कर सकता, ये वफाकी हुकूमत का खादिम आला ये तो कर सकता है, अपने वो जोगर तो दे सकता है, उनके बड़े हां जोगर दे सकता है। आप ये जाते हैं जो पहन के जाती है गांव देहात में, अच्छा। ये जो जगह इस्लामाबाद की है यहाँ जो कर हमें भेज दे। नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने की, इनका ये कहना है कि हमें कुछ ना दिया जाए, कम से कम खादिम आला अपने जोगर समय दे दिया जाए, वो जोगर पहने खादिम आला के पहने ताकि वो बाहर निकले, वो जोगर पहन के अपनी तस्वीरें बनवाते हैं, बाहर तक जाती है, खादिम आला बीच में खड़े है, आज खादिम आला कहाँ चले गए जहाँ लोग मर रहे हैं। बड़े भाई यहाँ पे मौजूद है ना, वज़ीर आज़म आपके वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनके बड़े भाई है, उनसे रिक्वेस्ट करें जाके पार्लियामेंट का तो दिल ही नाजुक हो गया ना, उनको तो दिल का रोग लग गया है, ठीक है, वो दिल से दुखी है, उनको तो हम नहीं छेड़ सकते। खादिम आला से रिक्वेस्ट है कि अपना वो शूज दे दे जहाँ आवाम को, अच्छा इस अपने शूज दे ये जो आपकी जो सूरत हाल है, नहीं कश्ती है कश्ती है हाँ ना, यहाँ से कितनी शर्मिंदगी की बात है, ये लाहौर नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये शेखुपुरा नहीं है, ये कोई मंडी बावलदीन नहीं है, ये इस्लामाबाद का हिस्सा है, ये इस्लामाबाद का हिस्सा, लानत इस्लामाबाद के हिस्से पे, यहाँ लोग डूब डूब के गंदे गटरों के पानी के, ढोकाला खान का पानी आ रहा है यहाँ। अच्छा मुझे बताएं कि वो अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद एहसास अपनी हालत बदलने का, तो आप लोगों को एहसास होगा अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं उसका, आपको इल्म होगा, आप एहतजाज करेंगे उन लोगों के सामने जाकर, सरापा एहतजाज बनेंगे तो तब भी आपको हक मिलेगा। इस मुल्क में अपना हक छीनना पड़ता है, यहाँ पे हकूक़ दिए जो है ना, इनकी भी नाकामियाँ हैं, ये बहुत अच्छे नहीं है, ये बेवकूफ़ हैं, इंतहाई दर्जे के बेवकूफ़ हैं। पूछो क्यों, ये तो वो तो गाड़ियाँ लेके आते हैं ना, ये शाम को अगर खाना खा के ना फुल पेट हो के तो दो दो अपने टिफिन बांध के यहाँ से जंगल से शक्करपड़ियाँ से अंदर जाए ना, तो रात को सुबह दिन चढ़ते पार्लियामेंट हाउस के सामने ये हों, पाँच मिनट से पहले ना इनको टैक्सी करानी पड़े ना कोई गाड़ी करानी पड़े, ये आवाम ही बेवकूफ़ है। चले जो वो तो अलग बात है, एहतजाज का हर किसी का अपना तरीक़ाकार होता है, ये पानी जो इस वक्त बाज़ाहिर यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पूरी गलियों में बताया गया, यहाँ लोगों ने मुझे बताया कि तमाम लोगों के घरों में भी जाता है, आपका कीमती सामान भी इससे ज़ाया हो जाता होगा, इसके अलावा जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो भी फैल जाती होंगी, क्या आप इस हालत में यहाँ से माइग्रेट करने का तो क्यों नहीं सोच रहे कि यहाँ से हिजरत करें? हिजरत तो सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के सामने हो सकती है, खुला वसी जगह है, मतलब यहाँ से सारा अपना सामान उठा के पार्लियामेंट हाउस के सामने जाके बैठ जाएंगे। इमरान खान आ रहे हैं ना आज पिशावर से, तहरीक शुरू होगी है, क्या उसका साथ देंगे आप? बिल्कुल देंगे, जो हमारे लिए कुछ करेगा हम तो उसका साथ देंगे। अच्छा बिल्कुल करेंगे। एक बात की मुझे समझ नहीं आती, जब इमरान खान का जलसा होता है उसमें मिनिमम 60-70-80 हज़ार उसके लोग होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो इतने वोट नहीं मिलते। आप आज़ाद कश्मीर में अभी इमरान खान अनाड़ी है तो मियाँ साहब तो अखलाड़ी थे ना, 3 साल से मियाँ साहब ने ये वज़ीर आज़म की सीट को खाला जी का वाड़ा नहीं है, कोई प्लेट में रख के नहीं मिल जाता। बड़ा इंसान को एक किसी ने पूछा पत्थर से, यार तू बड़ा खूबसूरत है, उसने कहा यार ठुड्डे पड़े हैं मुझे लोगों के, सियासत कोई ऐसे खाला जी का वाड़ा नहीं है कि ऐसे मिल जाती है कि पुप्पी के घर जाके बैठ जाओ सोफे पे। मियाँ साहब को तो मचोर होना चाहिए था, मियाँ साहब को सबका सोचना था चाहिए था, मियाँ साहब भी जहाँ से फ्लैट करते हैं उनका। अच्छा अब बातचीत का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज बात हो रही है इकबाल टाउन के अवाम को दरपेश मसाइल की। सबसे बड़ा मसला जो है ये तो नाज़रीन आपने देख लिया होगा, इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे विजुअल्स कि यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर इनकी गलियों में मोहल्ले में किस मकदार में यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है और उसके बाद की जो मसाइल हैं जो जिसका सामना इन लोगों को करना पड़ता है वो अपनी ज़बानी खुद बता रहे हैं। एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे, क्या आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले? जी मैं इधर की हूँ। खाली यही नहीं, हमारे घरों में अंदर भी पानी जाता है, हमारा जो राशन है वो भी खराब हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि ये सारी चीज़ें हमारी जल जाती हैं, फ्रिज जल गया, इतना इतना पानी होता है, मोटर लगा के घर से पानी हम बाहर। अच्छा किससे शिकवा करेंगी आप इस सारे इन सारे मसाइल का, किससे शिकवा करेंगी आप? हम तो नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी मेहरबानी है कि इतने वो अपने सारे सारे चमका रहे हैं, इस पर भी रहम करें। नवाज शरीफ भी आपसे कहेगा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमें एक दफ़ा मेरी पार्टी को फिर वोट दे दें, अगली दफ़ा कर दूंगा, तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहे। अगर वो इसी तरह तो उनको कोई वोट देने की उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, वोट तो दूर की बात है। अच्छा आप लोग कहते हैं हर दफ़ा यही है वोट, फिर आप उन्हीं लोगों को देंगे, फिर वही लोग इलेक्ट होकर फिर आ जाएंगे? मेरे सामने तो जितने भी हैं ना अभी तक हमारे इलाके के लिए तो किसी ने भी नहीं किया, क्या नवाज शरीफ है, क्या जरदारी है, क्या पीटीआई, अभी पीटीआई इधर से जीती है ना, कल उनसे बात की, आज उन्होंने अपना नंबर ही बंद कर दिया। अच्छा हाँ मलिक अमर साहब से बात की थी कि मैं क्या जी ये हमारे इलाके का मसला आप हल करें, तो आज उन्होंने नंबर ही बंद किया। अच्छा मुझे बताएं कि चले ये पानी का मसला तो सामने नजर आ रहा है, जब बारिश होती है यहाँ पे गली में पानी खड़ा हो जाता है, बाकी यह मसाइल क्या आपके पास यहाँ पे गैस का कोई मसला है, बिजली का है या कोई और? गैस नहीं है, बिजली की वोल्टेज। अच्छा, गैस है ही नहीं, पार्लियामेंट हाउस से 7 किलोमीटर के फासले पर आप यहाँ पे हैं लेकिन गैस? हमसे 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर दूर है, हमारे इलाके में गैस नहीं है, पानी नहीं है। अब इधर जो लोग पानी पीने का पानी है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो बाकी क्या है यहाँ पे? हाँ जी जो आप जो है अमीर वो तो। अच्छा बिजली की सूरत भी देखी कि ये देखें जिस तरह की कंडीशन में यहाँ पे बिजली के तार यहाँ से लटक रहे हैं जगह जगह, मुझे यहाँ पे एक मकीन ने ये बताया कि यहाँ गलियों में भी सूरत हाल ये है कि घरों के बिल्कुल सामने जो बिजली के नंगे तार हैं वहाँ पे लटक रहे होते हैं। इसके अलावा जो बरसात के मौसम में यहाँ पे बड़े हादसे का भी यहाँ पे खतरा होता है, इससे कबल इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो भी चुके हैं। आप ये बताएं कि चलें ठीक है पानी भी नहीं है आपके पास, बिजली भी नहीं है, बिजली है सिर्फ गैस नहीं है और बाकी मसाइल भी इसी तरह के हैं, खराब हो जाए 3-3 दिन ठीक नहीं हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कभी आपको ये एहसास हुआ कि आप वफाकी दारुल हुकूमत में रह रही हैं? आप जब जाती होंगी दूसरे शहर से आपसे पूछता होगा कि आप रहती कहाँ हैं, तो वफाकी दारुल कैपिटल में रह रही हूँ, तो कैपिटल की ये नक्शा कैपिटल का पेश हो रहा है दुनिया के सामने? जब कोई रिलेटिव आते हैं ना, जब हम सिलेंडर वो यूज़ कर रहे हो पूछते हैं हमसे, तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं और हमारे पास गैस नहीं है, इस्लामाबाद में रह रहे हैं और हमारे पास ना गैस है ना पानी है, ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है यहाँ के न्यू इकबाल टाउन के रिहायशियों को। यहाँ कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे उन्हें किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। एक शख्स यहाँ पे मकीन यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ मैंने सूरत हाल तो देख ली तमाम गलियों की कि जब भी बारिश होती है तो यहाँ पूरी गलियों में पानी नज़र आता है। ज़ाहिर है ये मस्जिद है, आप लोग जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते होंगे तो क्या नमाज के काबिल आपके कपड़े बाकी बचते हैं जब मस्जिद में पहुँचते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ये न्यूज़ वालों का बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ कि हमारे गरीबों पे यहाँ आए हुए हैं, यहाँ हमारा कोई नाम है नहीं, नाम पे ये आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, ये इन्होंने जो कहा है ये सच कहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कह सकते कि ये 7 मदरसा भी है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हम नमाज़ पर जाते हैं फिर वापस आते हैं कि हमारे कपड़े पलीत हो गए फिर वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतने पानी खड़ा होता है कि कोई यहाँ एक दिन नहीं है दो नहीं, अल्लाह ताला का रोज़ा। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जो बलदियाती निज़ाम लाया गया था यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए हैं कि अवामी मसाइल को उनकी दहलीज पे हल किया जाएगा, क्या आप समझते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनने के बाद आपके जो ये मसाइल हैं ये हल हो पाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मेयर साहब अभी हाजिर वही हैं, हमारे ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पीटीआई वाले हमारे अभी चेयरमैन है उनको अगर हमारे कोई फंड उनको नहीं दे रहा है तो फंड के बगैर हमने अगर चंदे भी कहते हैं। मेयर इस्लामाबाद का ये कहना है कि मैं जो अर्बन और रूरल एरिया का की तफरीक है वो ख़त्म कर दूँगा, वो फ़र्क मिटा दूँगा, क्या आपको लगता है कि इस दावे पर वो अमल दरामद कर पाएंगे? यहाँ वो आया भी नहीं है, वो जब से मेयर बना हुआ है यहाँ आया भी नहीं, ना उन्हें कोई विजिट किया हुआ है कि मैं मेयर बन गया हूँ और यहाँ आऊँगा, और मेयर तारिक फजल चौधरी से भी यही अपील है और उसने ये सब गलियाँ देखी हुआ, हमने हमारे साथ मीटिंग भी किया हुआ है, उसने कहा मेरे पास कोई फंड नहीं है, अगर नवाज शरीफ फंड देगा तो मैं ये काम चाहूँ। तो कैड मिनिस्टर है ना, उनके पास तो ज़ाहिर है CDA उनके मतायत अदारा है और CDA इंतजामी उमूर तमाम जो इस्लामाबाद के CDA चलाते हैं। देखो CDA जो है ना, CDA वहाँ इस्लामाबाद में सारे काम CDA खुद करवा रहा है, इससे कोई उनको फंड नहीं मिलता है, यही जो इलाका है पसमानदा
इलाका है, इसका फंड हो, अगर डॉक्टर फजल चौधरी को मिल भी जाना, अगर वो विजिट करो तो इंशाल्लाह ये काम, ये अभी और एक सेकेंड भी है, और सब हम मुतमिन भी हैं कि हम यहाँ से चंदा इकट्ठा करके हम डॉक्टर फजल चौधरी को दे सकते हैं, मेयर को दे सकते हैं, फी घर बना ले। चंदा इकट्ठा करके मेयर या तारा फजल चौधरी को क्यों देंगे आप? अपनी तौर पर अपनी मदद आपके तहत, तो अपनी मदद, तो हम पाकिस्तानी हैं, हम कहीं इंडिया से नहीं आए हैं, हम कोई अमरीका से नहीं आए। आप कहते हैं कि चंदा इकट्ठा करके हम उन्हें दे सकते हैं, तो क्या आपके हकूक नहीं है? क्या आप लोगों ने उनको वोट दे के तो देखो हम चंद इसलिए इकट्ठा करके, इनके पास फंड नहीं है, इसके पास कुछ एक रुपये भी चवनी भी नहीं है, ये सिर्फ वोट हम। ये मैंने देखा कि नेक्स्ट जो दूसरी गली है वहाँ मैंने देखा कि जब भी बारिश होती है तो लोगों ने ये बताया कि पानी वहाँ पे घरों के अंदर चला जाता है, आपका थोड़ा सा कम है, तो क्या इस सूरत हाल में जब इलेक्शन कंपेन्स के दौरान ये लोग अवामी नुमाइंदे आपके घर आते हैं वोट मांगने, तो आपके पास कोई ऐसा सवाल नहीं होता कि उनसे कर सके कम अज़ कम, कि हर दफ़ा हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, हमें झूठे दावे हमसे किए जाते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता, हम आप लोगों को हरगिज़ वोट नहीं देंगे क्योंकि आप इसके हकदार नहीं हैं, कभी आपने किसी अवामी नुमाइंदे से ऐसा कहा? हमने अवामी नुमाइंदे तो हमारे पास बड़े आती नहीं, यहाँ जो जितनी भी है ना पैसे लेने वाले वो उनको वो पैसे दे के यहाँ से वोट वो जो है ना खुद यहाँ जल से जलूस करा के देंगे, बना के उनको खिला के वोट वो खुद ही ले लेते। नजरीन आज हम मौजूद हैं न्यू इकबाल टाउन में, UC-21 इस्लामाबाद की जो यूनियन काउंसिल 21 है वहाँ पे मौजूद हैं, और इस वक्त जो मनाजर आपको कैमरा मैन दिखा रहा है ये किसी देही इलाके के नहीं हैं बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत की यूनियन काउंसिल 21 के हैं, जहाँ से अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं लेकिन अभी तक जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी है उन्हें फ़ंड्स फ्राहम नहीं किए गए, मुकम्मल तौर पर उनके इख्तियारात नहीं दिए गए। यहाँ से तारक फजल चौधरी दो दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं और लोगों का ये कहना है कि हम बार बार उनके पास जा चुके हैं, उनका ये जो गंभीर मसला है उन्हें हल कराने के लिए उनसे दरख्वास्तें की हैं लेकिन उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। यहाँ एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, आप इसी यूनियन काउंसिल का हिस्सा हैं यकीनन, अरसा दराज से आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, दुकानों में घरों में बरसाती पानी चला जाता है लेकिन उसके बावजूद आप एक ही कैंडिडेट को बार बार यहाँ से मुंतखब करवाते हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? असल में इधर ज़्यादा काम जा रहा है ज़ातियात पे, क्योंकि जब लोग ज़ातियात पे आ जाते हैं तो वो फिर इलाका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ज़ातियात पे कैसे? ज़ातियात मिसाल है कि मैं एक चौधरी हूँ गुजर हूँ, तो अगर कोई चौधरी या गुजर खड़ा होगा मैं ज़्यादा वोटिंग उस पर दूँगा, जो यानी कि है ये कैपिटल इस्लामाबाद का, लेकिन इधर के जो है ना कह सकते हैं आपके आला जो जा रहे हैं वो एक गाँव का जो वडेरों का हिसाब है ना उससे भी ज़्यादा बदतर समझ लें आप। मतलब ये कि यहाँ के लोग मैं तारक फजल चौधरी को इसलिए वोट देते हैं कि यहाँ अक्सरियत चौधरी बरादरी की है कि वो हमारी बरादरी का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही देते हैं लोग। तो मसाइल क्यों नहीं हाल होते? मसाइल असल में इतना सुनने में आता है, मैंने कंफर्म अभी तक देखा तो नहीं, मेरी भी इतनी लाइफ हो चुकी है कि लोग कहते हैं कि लोग इधर की ना वोटें खरीदते हैं लेकिन मुझे आज तक किसी ने ऑफर नहीं की कि ये वोट हमारा भी खरीदें, मुझे किसी ने अभी तक। आप ज़मीर फरोश नहीं होंगे ना। अच्छा बड़ी खूबसूरत इस भाई ने बात की, एक शख्स ने पहले भी मुझसे ये बात की कि यहाँ अक्सर जब भी हम इलेक्टेड नुमाइंदों के पास जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि आपके वोट तो हमने ख़रीद कर लिए हैं, आपके मसाइल क्यों हल कराएं? ये कल्चर कब तक चलता रहेगा जो गरीब लोग होते हैं उनके वोट खरीद कर ऐसे शख्स को दे दिए जाएं जो उनके मसाइल हल ना कराएं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में इस कल्चर को अब ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल, हम इस चीज़ से इताअत करते हैं लेकिन बेसिकली जो डॉक्टर चौधरी फजल जो है वो बेसिकली अच्छा आदमी है, हम उसको ये नहीं कहते हैं वो ख़राब आदमी है, लेकिन हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ यही है, हम वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं इस इलाके की हालत अभी आप टीवी चैनल चल रहा है देख रहे हैं, हमारा इससे अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे कोई किसी से नाराज़गी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कि ये हमारे इलाके का मसाइल हल कीजिए। नाज़रीन यहाँ पे जिससे भी मेरी बात हुई यहाँ के मकीनों से, चाहे वो ख्वातीन थी या मर्द थे, सबका एक ही मुतालबा था कि खुदारा उनके ये जो बुनियादी मसाइल हैं बिलखसूस जो बरसात के पानी की वजह से उन्हें जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके घरों में चला जाता है, उनकी दुकानों में और चला जाता है, उनका कीमती सामान उसकी नज़र हो जाता है, इस मसले को बुनियादी तौर पर हल किया जाए। यहाँ पे दीगर मसाइल भी हैं, पीने का पानी मैसर नहीं है, सुई गैस नहीं है, लेकिन वो सानवी मसाइल हैं, अवलिन जो
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کے مناظر اس وقت بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جب بھی یہاں پہ بارش ہوتی ہے یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جو گندے نالے کا پانی ہے اس پورے محلے میں پھیل جاتا ہے، اور نہ صرف پورے محلے میں گلیوں میں بلکہ لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ مریضوں کو اسپتال پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو اسکول جاتے ہوئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کاروباری حضرات کو اپنی دکانیں نہیں کھول سکتے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اس بارش کے پانی کے بعد کے جو یہاں کے مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈینگی اور دیگر جو وبائی امراض ہیں اسی پانی گندے پانی کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام مسائل ہیں یہاں کے یونین کونسل 21 کے یہاں کے لوگوں کو یہاں درپیش ہے۔ میں نے کوشش اپنے طور پر یہ کی ہے اپنے ٹی وی کے توسط سے، روز نیوز کے توسط سے، کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے۔ طارق فضل چودھری جو اس وقت وزیر مملکت برائے قید ہے، ان سے میری یہ اپیل ہوگی کہ خدا را آپ کے حلقے کا یہ حصہ ہے، آپ کو دو دفعہ ان لوگوں نے یہاں سے الیکٹ کرایا، ان کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کم از کم اس مسئلے کی طرف توجہ دی جائے تاکہ ان لوگوں کو اس قرض سے نجات ملے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی، چاہے اسلام آباد ہو یا اس کے ملکہ دیگر علاقے ہوں جہاں عوام کو کچھ جو سنگین مسائل ہیں اسے ہم اجاگر کریں۔ ہمارا جو کام ہے مسائل کو اجاگر کرنا وہ تو ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں، لیکن انہیں حل کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے، ذیلی انتظامیہ کا کام ہوتا ہے، وہاں کے جو کنسرن ادارے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر ان کے اس مسئلے کو اجاگر کیا، اب اسے حل کرنا یہاں اس انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی وجود میں آ چکی ہے، یہاں سے جو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، ابھی تک انہیں فنڈس تو منتقل نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں اپنے طور پہ کہ یہ جو مسائل ہیں انہیں ترجیح بنیادوں پر حل کرا سکیں۔ پروگرام روزنامچہ سے اپنے میزبان محمد انوار عباسی اور کیمرہ مین اظہر بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔